ओम शांति। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए हमें फॉलो फादर करना है। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जिन्होंने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ त्याग किया, जिन्होंने गहन तपस्या की और स्वयं को महानतम बना लिया, सबसे महान बना दिया, आदर्श जीवन बना दिया, सर्वस्व समर्पित कर दिया, संपूर्ण वैराग्य जीवन में धारण कर लिया और कर्म करते हुए सदा योग युक्त रहने का बहुत सुंदर एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया हम सभी के समक्ष। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, जो ब्राह्मण ये समझते हैं ब्रह्मा बाबा हमारा अलौकिक पिता है, वो उस पिता के सारे संस्कार और धारणाएं अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी हम बाबा के सच्चे बच्चे कहलाएंगे। बाबा का मुरली से बहुत प्यार था, जिन्हें बाबा से प्यार है उन्हें मुरली से बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा अपने बच्चों को बड़ी ऊंची नजर से देखते थे कि ये मेरी महान आत्माएं विश्व का कल्याण करने वाली हैं, इन्होंने ही भगवान को पहचाना है, हम भी एक दूसरे को उसी महान दृष्टि से देखें। बाबा यदि कुछ शिक्षा देते थे तो पहले सभी को स्वमान में स्थित करते थे, फिर कुछ बात कहते थे। हम भी शिक्षाएं आदेश के रूप में न दें, दूसरों को स्वमान में स्थित कराकर फिर अच्छी बात सिखाएं। बाबा अपने काम को कभी पेंडिंग नहीं रखते थे, आज का काम आज समाप्त कर देना। बाबा रोज सवेरे 3 बजे उठकर गहन तपस्या में मग्न हो जाते थे। जिन्होंने बाबा को देखा, उन्होंने देखा कि सोते समय बाबा गहन तपस्या में बैठे हैं और जब उठे तो गहन तपस्या में हैं। इसलिए बाबा और मामा के लिए शिव बाबा ने कह दिया, उनका नींद का समय भी योग में गिना जाता है, क्योंकि वो योग युक्त होकर ही सोते हैं और योग युक्त होकर ही उठ जाते हैं, उठते ही पुनः योग युक्त हो जाते हैं। तो हम ऐसे महान बाप की संतान हैं, जो अपनी तपस्या के बल पर प्रजापिता ब्रह्मा बने। हम ऐसे महान बाप की संतान हैं, जिसने ग्रस्त जीवन जीकर लेकिन महान तपस्या करके अपने को संपूर्ण निर्विकारी बना दिया। हम ऐसे महान पिता की संतान हैं, जिसने संपूर्ण त्याग करके अपने त्याग को कभी स्मरण भी नहीं किया, दिखाया भी नहीं कि मैंने कोई त्याग किया है, जिसने निमित्त भाव सदा अपने जीवन में धारण कर लिया। हम भी अहम भाव को छोड़कर बाबा की तरह निमित्त भाव धारण कर लें। यद्यपि ब्रह्मा बाबा तो यज्ञ के मालिक थे, वो हेड थे, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि मैं हेड हूँ, नहीं, शिव बाबा ही मालिक है, मैं तो उसका सेवाधारी हूँ, मैं तो तुम बच्चों का भी मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बहुत सादगी से भरा जीवन, बहुत निरहंकारिता से भरा जीवन, बहुत नम्र चित्त और संतुष्ट रहने की श्रेष्ठ धारणा, सदा प्रभु प्रेम में मग्न, जो सबसे सुंदर बात है उनके लिए, जिससे उन्होंने गहन तपस्या का मार्ग अपनाया, ये सभी चीजें हमें अपने जीवन में फॉलो करनी है। तो जब भी ब्रह्मा बाबा के कक्ष में हम जाएं, उन्हें देखें, तो उनसे कोई न कोई प्रेरणा लें फॉलो करने की, चाहे वो कैसे तपस्या में बैठे हैं, चाहे वो उनकी दृष्टि में क्या है सबके लिए आत्मिक भाव, कल्याण का भाव, चाहे वो कितने निरहंकारी थे, ये प्रेरणा लेकर बाबा के कमरे से वापिस आए, चाहे उन्होंने संसार के लिए क्या क्या किया,
सब आत्माओं के लिए क्या क्या किया और कैसे विघ्न और बाधाओं को हंसते हंसते पार किया, जिसे सिद्ध होता है कि वो बहुत शक्तिशाली थे। तो आज सारा दिन हम फॉलो फादर को अपना लक्ष्य बनाते हैं और हर घंटे में एक बार बाबा का आह्वान करेंगे और फील करेंगे बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। ओम शांति।